नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्वा में। और आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारा चैनल एग्जाम स्वा, जहां पर आपको हर तरह के गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे मेरे बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका रामसर कन्वेंशन है उसका लोगो है आपको यहाँ पे दिया गया है। तो एक बार जो है इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि जो रामसर कन्वेंशन है वो क्या है। द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस स्पेशली एज वाटर फाउल हैबिटेट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड। तो जो आपके वेटलैंड होते हैं जिनको आर्द्र भूमि बोला जाता है, उनके कंजर्वेशन के लिए जो है रामसर कन्वेंशन को जो है साइन किया गया था। द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो है इसका नाम है, यानी कि इसका पूरा नाम जो है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसको जो है वाटर फाउल जो हैबिटेट है, यानी कि जो भूमि है, जो पानी जहाँ पे ज्यादा मात्रा में होता है, यानी कि जो भूमि थोड़ी दलदली टाइप की होती है, और अगर कोई फ्लड आता है या फिर कोई जो है समुद्री तूफान आता है तो इनको काफी जो है नुकसान होता है। और इट इज ऑल्सो नोन एज द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। और ये जो है रामसर कन्वेंशन जो है इसका जो है दूसरा नाम भी है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, यानी कि इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इट इज नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ रामसर इन ईरान। आपका जो ईरान कंट्री है उसमें एक रामसर नाम की एक सिटी है, उसके नाम पे जो है इस कन्वेंशन का नाम पड़ा था, क्योंकि इस कन्वेंशन को जो है रामसर जो ईरान में है वहीं पे जो है साइन किया गया था। और इसको साइन किया गया था 1971 में, यानी कि 1971 का टाइम जो है जिस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था उस टाइम पे जो है इसको साइन किया गया था। तो इस बात से भी जो है आप इस ईयर को याद रख सकते हैं कि 1971 में जो है इसको बनाया गया और उस टाइम पे जो है इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो रही थी। तो आपको ये याद रखना है कि जो रामसर कंट्री है, जो रामसर सिटी है वो किस कंट्री में है, तो वो जो है आपका ईरान में है। ये आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अब चलिए देखते हैं कि आगे क्या है। एवरी 3 इयर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मीट एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज नाम से एक मीटिंग होती है, इसके जो मेंबर है उनकी, ये जो है हर 3 साल में होती है। और ये जो मीटिंग है इसको जो है कॉप बोला जाता है, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। ये जो आपकी है द पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन ऑफ द कन्वेंशन, ये जो है पॉलिसी मेकिंग यानी कि जो पॉलिसीज होती है उनको बनाने के लिए जो है ये काम करती है। और इसका काम ये होता है कि जो डिसीजन होते हैं, अडॉप्ट डिसीजन रिजोल्यूशन एंड रिकमेंडेशन टू एडमिनिस्टर द वर्क ऑफ कन्वेंशन, यानी कि जो कन्वेंशन में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको अप्लाई करने के लिए या फिर जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए ये लोग जो है पॉलिसी बनाते रहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हर 3 साल में इसकी मीटिंग होती है और इसको जो है सीओपी के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कि आपका जो COP 12 था वो जो हुआ था आपका पुंता डेल इस्ते, जो उरुग्वे में आपका एक सिटी है वहां पे हुआ था। और ये जो है आपका 2015 में हुआ था। उसके बाद जो है आपका COP 13 जो आपका दुबई में हुआ था, जो आपका यूनाइटेड अरब एमिरात में आता है, और ये आपका 2018 में हुआ था। तो ये जो है आपके 2 जगह हैं जहाँ पे आपका जो है कन्वेंशन का, जो आपका रामसर कन्वेंशन है उसकी मीटिंग हुई थी। और अगला जो आपका होगा वो 2021 में होगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो 2021 में जो मीटिंग होगी वो कहाँ पे होगी, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। उसके बाद आपका है वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 फरवरी ईच ईयर। तो आपका जो 2 फरवरी है यानी कि 2 फरवरी है उसको जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से मनाया जाता है। और इसका मेन पर्पस यही है कि जो वेटलैंड आपके होते हैं यानी कि जो आर्द्र भूमि होती है उसके कंजर्वेशन के लिए, और जो ह्यूमैनिटी एंड प्लेनेट है यानी कि जो मानव जाति है और जो धरती है उसको बचाने के लिए जो है वेटलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी वैल्यूज को जो है उस दिन उठाया जाता है और ये जो है आपका 1997 से जो है मनाया जाता है। उसके अलावा जो है रामसर कन्वेंशन में कई सारी वर्ल्ड में जो है साइट्स को जो है लोकेट किया गया है जिनके कंजर्वेशन के लिए जो है एफर्ट लगाए जाते हैं।
तो द वर्ल्ड फर्स्ट साइट वॉज द कोबर्ग पेनिनसुला। तो आपका जो पहला साइट था पूरे विश्व में जिसको अडॉप्ट किया गया था रामसर कन्वेंशन के अंदर, वो है कोबर्ग पेनिनसुला। और ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में है, और इसको जो है 1974 में जो है डेजिग्नेट किया गया था। उसके बाद बात करें कि जो सबसे बड़ी साइट कौन सी है, तो ये है आपकी गिरी टुम्बा मैंडोम्बे। ये जो है आपकी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है वहां पे आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्वीन मॉड गल्फ जो है कनाडा में है, यहाँ पे भी जो है सबसे बड़ी साइट है करीब 60,000 स्क्वायर किलोमीटर की। तो ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए इसलिए मैंने आपको बताया है। देयर आर 9 क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट। तो जो रामसर कन्वेंशन है उसके अंदर 9 फैक्टर है या फिर 9 क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करना होता है। कोई भी अगर साइट है उसको अगर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बनना है तो उस वेटलैंड को जो है 9 क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है। और ये जो 9 क्राइटेरिया है इनके नंबर को आपको याद रखना है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कितने क्राइटेरिया रिक्वायर्ड होते हैं जो आपका वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है उसको बनाने के लिए अंडर रामसर कन्वेंशन। उसके अलावा जो आपका रामसर कन्वेंशन है उसमें कई सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर हैं वो भी जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो द रामसर कन्वेंशन वर्क क्लोजली विथ 6 अदर ऑर्गेनाइजेशन नोन एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर। तो जो 6 टोटल ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके रामसर कन्वेंशन के पार्ट हैं, और इनको जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर के नाम से जाना जाता है, जिसको शॉर्ट में IUPAC भी बोला जाता है। तो इसमें अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इसके अलावा आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जिसको IUCN भी बोला जाता है। इसके बाद आपका जो है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IWMI, उसके बाद आपका वेटलैंड्स इंटरनेशनल, फिर आपका WWF इंटरनेशनल, और फिर आपका जो है वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट। ये जो टोटल 6 आपको यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेंगे, ये जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर हैं रामसर कन्वेंशन के अंदर। तो आपको इन 6 जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है जिसको IUCN बोला जाता है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो आपके ये ऑर्गेनाइजेशन इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो आपका जो पहला है उसका हेडक्वार्टर आपको कैम्ब्रिज जो यूके है वहां पे देखने को मिलेगा। IUCN का हेडक्वार्टर आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। जो आपका IWMI है यह आपको कोलंबो में देखने को मिलेगा। और इसी तरह आपको और भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो है ऑर्गेनाइजेशन उनके जो हेडक्वार्टर है वो आप ढूंढ के लिख लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमारे चैनल एग्जाम्स वहाँ पे हमने IUCN एंड जो IUCN की रेड लिस्ट है और जो साइट्स है उसके बारे में जो है डिटेल में वीडियो बनाया है। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमारे चैनल एग्जाम्स वहाँ पे जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है उसको देख सकते हैं। इसमें जो है उसमें जो आपको ये वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल एग्जाम सभा पे आपको कई सारे वीडियोस और देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपका ब्रेक्सिट है, या फिर आपका G7 है, G20 है, या फिर आपका वर्ल्ड बैंक, FATF, ओपेक। तो इस तरह से आपको कई सारे वीडियोस जो है हमारे चैनल एग्जाम सभा पे देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये आपका वीडियो है रामसर कन्वेंशन के नाम का, इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आपको इसके आगे भी जानना है तो आप अगले वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल एग्जाम सभा को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।